अपने से कमजोर और अपने बराबरी के लोगों को ट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने से बड़े, अपने से ताकतवर लोगों को ट्रोल करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। खत्म, बाय बाय टाटा। इंटरनेट में कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद तभी कर सकता है जब वो इंटरनेट पर उससे बड़ा हो। इस स्टेटमेंट का मतलब अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो चिंता मत करिए, वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। अनुराग बिष्ट, पिछले कुछ महीनों में ही यूट्यूब पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले और इंस्टाग्राम के हैंडल पर 40,000 फॉलोअर्स क्रॉस करने वाले एक सोशल मीडिया फिगर, जिनकी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी सुशांत सिंह राजपूत से शुरू होकर रिया चक्रवर्ती पे जाके ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में खड़े होकर यूट्यूब पर वीडियोस बनाए, प्रॉब्लम यह है कि 50-60 वीडियोस बनाए। और अगर अब भी आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना चाहता है और इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं, तो काफ़ी मासूम हो। अब अनुराग बिष्ट की थोड़ी सी बेइज्जती सुनने के बाद ही सुशांत के फैन इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें, उसके बाद आपको जो भी लगे करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वैसे ही कोई बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। सो बेसिकली अनुराग बिष्ट एक टिकटॉकर था पहले, जो टिकटॉक पर वैसे ही वीडियोस बनाया करता था जिनका रोस्ट होता है। फिर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लहर आती है और चाचा अपने टिकटॉक अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि टिकटॉक पर ये उतने ही फेमस थे जितने बिग बॉस सीजन 1 के कलाकार आज हैं। और फिर चाचा यूट्यूब पर आकर टिकटॉकर्स का ही रोस्ट करने लगते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर ये चैनल में रोस्टिंग चालू करने से पहले उसमें व्लॉग्स अपलोड किया करते थे, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड घूमने वाले व्लॉग को डाला हुआ है, ड्रीम ट्रिप टू यूके। तो अब आप शायद ये पूछेंगे कि इसका अनुराग बिष्ट के एक्सपोज से क्या रिलेशन। मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये बंदा इंटरनेट पर या कहें यूट्यूब पर बहुत समय से फेमस होने के लिए हाथ पांव मार रहा था, पर इसको यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था जिस पर ये फेमस हो सके। फाइनली इनके अच्छे दिन आते हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, जब ये उसकी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। ये अपने चैनल पर हफ पैरानॉर्मल नाम के एक फेक चैनल के फेक कंटेंट को अपनी फेक कंस्पिरेसी थियरी से एक्सप्लेन करता है, जो वीडियो वायरल चला जाता है। अब क्योंकि इसने इतना फेक वीडियो बनाया हुआ था, उसको करेक्ट करने के लिए ये एक दूसरा वीडियो बनाता है जो कि दोबारा से वायरल चला जाता है। अब जिस इंसान के वीडियोज़ पर कभी 5,000 व्यूज़ भी नहीं आया करते थे, उसके में एकदम से 30 लाख व्यूज़ आने लगे, तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि अब बस यही टॉपिक पकड़ के आगे चलना है। अनुराग बिष्ट सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशन में अपने चैनल पर 40-50 वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर चुका है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बंदा अपने वीडियोज़ में झूठे फैक्ट्स बताता है या झूठी रिसर्च दिखाता है, पर ये डेफिनेटली एक मरे हुए इंसान के नाम पर पैसा कमा रहा है। मैंने बाकी यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट किया जिनके 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन सब्सक्राइबर थे, किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया, सब शांत बैठे रहे। भाई बड़े यूट्यूबर्स जवाब नहीं देते हैं, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा, तुम भी नहीं दोगे, चाहे टॉपिक कुछ भी हो। ये वाइंस बनाते हैं, ये रोस्ट करते हैं, ये व्लॉग बनाते हैं, लेकिन कोई सुशांत सिंह राजपूत केस में आगे नहीं आया। लोग वाइंस बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी की ताकत पर चैनल पे ऑडियंस बिल्ड करते हैं, पर ये लोग गलत हैं, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल करके सिंपैथी नहीं बटोरते और व्यूज इकट्ठे नहीं करते। मैं सही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, और आपको भी ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता तो नहीं हूँ करना चाहिए अंदर ही अंदर, पर बाहर ऐसा जरूर बोलूंगा जिसमें आपको और भी लगे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ। इनको अपनी दुकान चलानी है इसलिए, इनको बॉलीवुड में जाना है, इनके कॉन्टैक्ट है बॉलीवुड वालों के साथ, इनको फंडिंग मिलती है, इसलिए ये सब चुप रहे। इन्हें बॉलीवुड में जाना है, इन्हें पैसा कमाना है क्योंकि इन्हें एक्टिंग आती है, पर मुझे सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूं, मैं यही करता हूं। वो बात अलग है कि यूट्यूब से जो मुझको पैसा मिलता है वो मैं यूट्यूब को वापस लौटा देता हूं, मैं धर्मात्मा हूं। क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हमें बड़ा इंसान नहीं बनना, हमें अच्छा इंसान बनना है। हमें बड़ा इंसान नहीं बनना, बड़ा इंसान बनने के लिए खुद की दम पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स लाने पड़ते हैं, जिन्हें लाने में 3 साल, 4 साल और 5 साल की मेहनत लग जाती है। हमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री के कीवर्ड को इस्तेमाल करके अच्छा इंसान बनना है। हमें 2 महीने के अंदर कंटिन्यूसली 50 वीडियोस उसी टॉपिक पर अपलोड करके अच्छा इंसान बनना है, जिससे 2 महीने के अंदर 7 लाख सब्सक्राइबर हमें मिल जाए और हमें अच्छा इंसान बनना है। लेकिन मुझे यूट्यूबर से उम्मीद थी यार, जो ये 15-15, 20-20, 25 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, किस बात है सब्सक्राइबर यार, तुम वाइंस बनाते हो, रोस्ट करते हो, व्लॉग बनाते हो, क्या करोगे ये बनाकर, जब तुम किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आ सकते। तुम वाइंस बनाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, रोस्ट करते हो, क्यों करते हो? मेरी तरह चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर 50 वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करते?
वो बात अलग है कि तुम खुद को सुप्रीम कोर्ट नहीं समझते और मैं खुद को सुप्रीम कोर्ट समझता हूँ, पर तुम्हें भी खुद को सुप्रीम कोर्ट ही समझना चाहिए और अपने मन से किसी भी थ्योरी को बनाकर उसको इंटरनेट पर चिपका देना चाहिए और उसको एक दो बार नहीं, उसको 50 बार अपने चैनल पर अपलोड करना चाहिए। और वो थ्योरी चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल अर्णब गोस्वामी की तरह बताना चाहिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। इस बंदे ने अपने चैनल पर जो भी फैक्ट्स और प्रूफ्स अपलोड किए हैं उसमें से काफ़ी फैक्ट्स सही हैं, पर सोशल मीडिया पर जो इसने सुशांत सिंह राजपूत का एक सुपर फैन वाली नकली पर्सनैलिटी ओढ़कर रखी हुई है वो कम्प्लीटली झूठ है। ये सिर्फ सुशांत के नाम पर फॉलोअर्स कमाना चाहता है। अगर तुम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन सारे प्रूफ्स को, इन सारे फैक्ट्स को रखते हो, तो जनता को ये कहो कि आई वॉन्ट टू मेक मनी या आई वॉन्ट टू अर्न फॉलोअर्स और उसके लिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियोज़ को एडिट कर रहा हूँ। जनता को इस बात पर बेवकूफ़ मत बनाओ कि तुम सुशांत की डेथ पर कितना ज़्यादा दुखी हो। अगर कोई इंसान किसी की डेथ पर वाकई दुखी होता है तो इंटरनेट से गायब हो जाता है। भगवान न करे अगर आपका कोई करीबी एक्सपायर होता है तो इंसान अपने दोस्तों के कॉल्स तक नहीं उठाता, और ये चाचा तो सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो के साथ फ़ोटोशूट करा रहे हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी उस फोटोशूट में गाना लगाकर अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद उस फोटोशूट के वीडियो के नीचे जस्टिस फॉर SSR का हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और इनकी फैलाई गई बीमारी केवल इन तक सीमित नहीं है, इनको देखकर कुछ 12-13 साल के बच्चे भी सुशांत सिंह राजपूत का हैशटैग इस्तेमाल करके फॉलोअर्स कमाना चाह रहे हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत, जो काम दिनों में करना था पता नहीं क्यों उसे करने में महीने लग रहे हैं। शेम ऑन यू मुंबई पुलिस। हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत, अब इसके बाद मैं जो भी बोलूंगी उसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सुशांत के फॉलोअर्स उसकी बुंड तोड़ देंगे। वो बात अलग है कि इस 10 सेकंड के वीडियो की स्क्रिप्ट मुझे पापा ने लिख के दी थी, एज यू नो आई एम पापा की परी, पर मैं वो 10 सेकंड की स्क्रिप्ट भी याद नहीं कर पाई, इसलिए अपनी आंखें घुमा घुमा कर नीचे स्क्रिप्ट को देख रही हूँ। मुंबई पुलिस अपना काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रही है, शेम ऑन यू मुंबई पुलिस। मैं देखूँ अपना काम कितने अच्छे से कर रही हूँ, कितनी मेहनत से 10 सेकंड का वीडियो, पूरे 10 सेकंड का वीडियो बनाकर मैंने इंटरनेट पर अपलोड किया है। और अनुराग बिस्ट भैया बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये 15 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें हाथ में बंदूक लिए हुए और गाल में तिरंगा लगाए हुए दिखाई देते हैं। पर भैया को कोई कैसे समझाए कि पबजी खेलने से राष्ट्रभक्त नहीं बनते। अगर तुम्हें देशभक्त बनना ही था तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पहले भी और बाद में भी बहुत सारे देश के सैनिक शहीद हुए, पर तुमने किसी भी वीडियो में किसी भी सैनिक का नाम तक नहीं लिया। अब मैं ये तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि उन सैनिकों को भी ट्रिब्यूट दो, पर केवल सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बोलकर अगर तुम खुद को देशभक्त समझ रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। देशभक्त बनने के लिए उन सैनिकों की तरफ से भी कुछ बोलना होता है। तो यार ये वीडियो किसी को हेट फैलाने के लिए, किसी भी यूट्यूबर या सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंचा के लिए नहीं बनाया गया है। हर यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए मेहनत करता है, रिसर्च करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, वीडियो एडिट करता है, तो उसको भी पैसा कमाने का हक है। पर इंटरनेट पर कोई भी इंसान आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके अगर आपको उसका फॉलोअर बना रहा है तो एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है। और अनुराग बिस्ट जैसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई तेरी रिसर्च अच्छी है तो कुछ दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाना चालू कर दे, क्योंकि जैसे ही ये केस सॉल्व होता है तेरा चैनल डेड हो जाएगा। अगर अब तुम किसी और टॉपिक पर शिफ्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारे ये 7 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो तुमको टॉपिक शिफ्ट होते साथ ही देखना बंद कर देंगे। नेपोटिज्म, बॉलीवुड और सुशांत सिंह राजपूत से हट के भी कुछ कंटेंट बनाओ, उसकी जांच CBI के पास जा चुकी है, रिसर्च अच्छी रही तो हम भी तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये टिकटॉकर्स वाली हरकतें करी, पहले जिस गाने को सुनकर एक्स की याद आती थी अब उस गाने को सुनकर सुशांत की याद आती। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गुण खाएगा। हमारे देश की प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई इंसान अपने वीडियो की शुरुआत में जय हिंद दोस्तों कह देता है तो मतलब अब वो अपने वीडियो में किसी की भी माँ बहन को गाली बक सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने वीडियो की शुरुआत में जय हिंद दोस्तों जो कह दिया है वो तो सबसे बड़ा देशभक्त है। उसी तरीके से आज की डेट में बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल करके एक ढाल की तरह, एक शील्ड की तरह उसे यूज़ कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने इस दीदी का वीडियो आपको दिखाया था, ये इंटरनेट पर बेसिकली क्रिंजी कंटेंट क्रिएट करती है। आप इसके इंस्टाग्राम को जाकर देख लेंगे तो वहाँ पर क्रिंज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पर ये अगर हर वीडियो के सामने जस्टिस फॉर SSR बोलकर कुछ भी करती है तो कोई कमेंट सेक्शन में आकर इसको गाली बक ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वो गाली बकने वाला तो देशद्रोही हो गया। तो बस सुशांत का नाम इस्तेमाल करो, हिंदुस्तान का नाम इस्तेमाल करो और इंटरनेट पर आकर जो हगना है हगो। और हमें अपने गुप्तचर क्रिएटर स्टूडियो से ये पता चल रहा है कि 75% ऑडियंस जो हमारे वीडियो देखती है वो सब्सक्राइब नहीं की है। तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो?
उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए भी हैं वो बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं दबाते हो? उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिए हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। जो लोग ये सब कर चुके हैं उनको धन्यवाद, पर वो फिर भी वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना भूल जाते हैं, क्यों? उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और कुछ भी भूल जाओ लेकिन कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि वही मेरे को मोटिवेट करता है अगले वीडियोस बनाने के लिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और मेरे वीडियोस जिस प्रकार के हैं, YouTube ने मेरी पूरी रीच रोक के रखी हुई है, तो केवल आप ही सहारा हो, आप ही शेयर करोगे तभी मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, तो भाई शेयर करो। उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में मिलने जरूर आना, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता।